हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि हर तरफ लॉकडाउन चल रहा है, बाहर जाने की परमिशन नहीं है, दोस्तों के साथ चिल नहीं कर सकते, घर बैठे बैठे बोर हो गए हैं। सभी फिल्म इंडस्ट्रीज बंद है, मूवीज टाइम पे रिलीज नहीं हो पा रही हैं और लोग घर बैठे बैठे बोर हो गए हैं। इंजॉयमेंट का कोई जरिया नहीं है, सभी पुरानी मूवीज देख रहे हैं या पबजी वगैरह खेल के टाइम पास कर रहे हैं। तो मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे कहा था कि कोई बेस्ट मूवी सजेस्ट करें जिसको हम लॉकडाउन में देखें और बोर बिल्कुल भी ना हो। और तभी मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए जिसे आप भी देखें और एंजॉय करें। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए आज का हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं जो आपको मूवी सजेस्ट करने जा रहा हूँ इसका नाम है रक्षसन। ये एक साउथ इंडियन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसके लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे विष्णु विशाल। आप में से शायद कुछ लोगों ने इस मूवी को पहले से देख रखा होगा तो आपको ये अच्छी तरह से पता होगा कि ये किस लेवल की और किस टाइप की मूवी है। जिन लोगों ने ये मूवी पहले से देखी हुई है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि उनको ये मूवी कैसी लगी, और जिन्होंने ये मूवी नहीं देखी है मैं उनको हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और जी हाँ, ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है और साथ ही आपको यह मूवी यूट्यूब पे भी देखने को मिल जाएगी। इस मूवी का हिंदी में नाम रखा गया है मैं हूँ दंड अधिकारी। मैं आपको इस मूवी की बेसिक स्टोरी के बारे में भी शॉर्ट में बताऊंगा। इस मूवी की शुरुआती 2 से 3 मिनट में ही आप इस मूवी से कनेक्ट हो जाएंगे और ये जानने को बेचैन होंगे कि अब आगे क्या होगा। ये मूवी शुरू होती है एक बूढ़े आदमी और उसके कुत्ते से जो कि जॉगिंग पे जा रहे होते हैं। फिर अचानक कुत्ता एक कचरे के डिब्बे के साथ जाता है जहाँ पर उसको एक लड़की की लाश मिलती है। यानी इस शहर में एक सीरियल किलर है जो कि लड़कियों को ही मारता है। और वहीं इस मूवी के मेन एक्टर विष्णु विशाल एक मूवी डायरेक्टर बनना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जो पहली मूवी वो डायरेक्ट करें वो एक सीरियल किलर पर बेस्ड हो। और इसके लिए वो बचपन से ही सीरियल किलर पर बेस्ड आर्टिकल्स पढ़ते हैं और उनको अपने कमरे में जमा करते हैं और उसी पर बेस्ड एक स्क्रिप्ट भी लिखते हैं। यहाँ तक के देखते देखते उनका सारा कमरा आर्टिकल से भर जाता है, लेकिन फिर भी उनको डायरेक्ट करने का मौका नहीं दिया जाता। और फिर उनकी फाइनेंशियल हालत सही ना होने और लोगों के काफी समझाने पर वो एक हवालदार बन जाते हैं। ये सोच करके बीच बीच में वो अपनी स्क्रिप्ट बड़े बड़े फिल्म मेकर के पास ले जाएंगे और कभी ना कभी उनको डायरेक्ट करने का मौका मिल जाएगा। और वहीं पर उसे पता चलता है कि इस शहर में एक सीरियल किलर भी है जो कि सिर्फ लड़कियों को ही मारता है। वो उस किलर को पकड़ना चाहता है और ये बात अपने सीनियर को भी बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। और बाद में अपने शहर की मदद करने के लिए और उसे सेफ रखने के लिए वो डिसाइड करता है कि वो उस किलर को पकड़ कर ही रहेगा चाहे उसकी कोई मदद करे या ना करे। और फिर वो क्लूज ढूंढना स्टार्ट कर देता है और उसे पता चलता है कि किलर हर बार एक निशानी छोड़ जाता है और फिर देखते ही देखते वो खुद इस जाल में फंस जाता है। तो उसके साथ ऐसा क्या होता है, वो किलर कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी आपको ऑनलाइन आसानी से हिंदी डब में मिल जाएगी और बहुत सारी वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है, तो अगर आप चाहें तो डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इसे यूट्यूब पर देखें। मैं फिर से दोहराता हूँ, ये मूवी आपको यूट्यूब पर मैं हूँ दंड अधिकारी के नाम से देखने को मिल जाएगी। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। इस मूवी में आपको एक्शन, सस्पेंस, लव, थ्रिल, फैमिली वैल्यूज, स्टोरी और हल्की फुल्की कॉमेडी भी देखने को मिल जाएगी। इस मूवी का हर एक सीन एक से बढ़कर एक है और कोई कोई सीन तो ऐसा है कि आपकी सांसें तक रुक जाती है। तो गाइज, ये मूवी देखना जरूर, जब मूवी देख लें तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि ये मूवी आपको कैसी लगी। तो बस यहीं तक था हमारा आज का ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिले सबसे पहले। तो गाइज, अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आपको छोटी मोटी अपडेट्स भी मिलेंगी जिन पर मैं वीडियो नहीं बना सकता। और अगर आप चाहें तो हमसे बात भी कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड ऑल्सो टेक केयर।